रसोई में आज आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोलकाता मटन बिरयानी। कोलकाता मटन बिरयानी के लिए मैंने 2 केजी मटन का गोश्त लिया है। इस तरह का हड़ान का भी है और पूंछ का भी है, सीने का भी है, हर तरह का गोश्त है इसमें। उसके लिए 3 पाव प्याज लिया है, इसको इस तरह से स्लाइस में बारीक मैंने कट कर लिया। 10-15 दाना काली मिर्च लिया है, 1 जावित्री का फूल लिया, दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया, 2 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 4-5 छोटी इलायची, 1 चम्मच बड़े चम्मच से गरम मसाला, 2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर लिया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया, नमक स्वाद अनुसार, 1 प्याली भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। दही मैंने इसमें 100 ग्राम लिया है। गोश्त के लिए मैंने कुकर को चला दिया है। कुकर गर्म होने पे इसमें तेल डालूंगी। हो चुका है, तेल मैंने 250 ग्राम दिया। गरम मसाला मैंने डाल दिया और इसमें मैंने बिरयानी डाल दिया है। बिरयानी ब्राउन करके इसको निकालूंगी। अब ब्राउन हो रहा है बिरयानी, इसे निकाल लूंगी। उसके बाद सारे प्याज को इसमें डाल दिया है और आधा जल चुका है प्याज। अब ज़्यादा हमको ब्राउन नहीं करना है, अब ब्राउन नहीं वो उसको डालना है। पेस्ट मैंने डाल दिया है, साथ में ये मसाला भी डाल दूँगी। इस तरह से ऐड कर रहे हैं। ये देखिए इसमें कवर लगा रहे हैं क्या। अब इसमें बिरयानी जो मैंने ब्राउन करके रखा था वो डाल रही हूँ और साथ में गरम मसाला, गरम मसाले का पाउडर वो भी डाल रही हूँ। गोश्त बिल्कुल गल चुका है, थोड़ा देर इसको भून लूँगी। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। कोलकाता बिरयानी के लिए मैंने 1/2 केजी आलू को उबाला है। उबालने के बाद इसको कलर कर रही हूँ। इसमें हल्का सा नमक मैंने डाला है, ये आलू में फीकापन ना रहे। बड़े आलू को 2 टुकड़ा किया है, छोटे को समूचा ही रहने दिया। इसी तरह से सारे को मिक्स कर दूँगी, मतलब चावल को भी फुला देते हैं। इस तरह का चावल लिया है इंडिया गेट बासमती सुपर। को छानने के लिए मैंने घी और रिफाइंड का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे इसको इसी तरह से गोल्डन फ्राई कर देंगे। फ्राई हो चुका है, अब इसी तरह से सारे आलू को मैं फ्राई कर लूँगी। इसको बिरयानी बनाऊंगी, इसको ब्राउन निकालूंगी। इसके बाद फिर मैं इस तरह से कट किया है राउंड में। और ये अदरक जिसको आप जो उसमें डाला था, ये उबला हुआ अदरक है, ये हरी मिर्च, 2-3 लेमन जिसको इस तरह से कट किया है, थोड़ा सा काजू। ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसे निकाल लेंगे। ये देखिए अब ब्राउन हो रहा है, काजू इसको भी फ्राई कर रही हूँ। 1 चम्मच जीरा मैंने डाला है। अब इसमें सबसे पहले हरी मिर्च डालूँ और टमाटर को थोड़ा पकने दूँगी। सॉफ्ट खाना हो गया ये सब इसमें चलाते रहूँगी। इसमें नमक डालूँगी, नमक डाल रहा हूँ। लहसुन को लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया। पेस्ट है इसमें उबला हुआ प्याज,
जो मैंने अब जोश बनाया था, ये देखिए अब जोश बनाया बिरयानी का। इसमें जो सौंफ, धनिया, ज़ीरा, छोटी इलायची, अदरक, लहसुन मैंने डाला था। अदरक को उबाल के इसी में कट करके डाल लिया है। लहसुन का पेस्ट बना लिया, प्याज का पेस्ट बना लिया, चम्मच दिया प्याज का पेस्ट। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें ये उबला प्याज और काजू का पेस्ट डाल दें। ये सौंफ का पाउडर एक चम्मच डाल देंगे, एक चम्मच आधा चम्मच, टी स्पून नींबू का रस निचोड़ रहे हैं। नींबू के रस से चावल खिला खिला होगा और बहुत ही टेस्टी होगा। ये बिरयानी आप बना के ज़रूर देखें। ये देखिए इसमें आलू भी मैंने फ्राई किया था, इसके इस मसाले में भून लिया है। फिर इसको निकाल लें, निकालने के बाद फिर बिरयानी का जब पह लगाऊंगी तो इसमें डाल दूँगी। देखिए अब चावल इसमें डाल रही हूँ। एक चम्मच नमक इसमें डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के मुताबिक डालेंगे, मैं इसमें फिलहाल एक चम्मच डाल। भी नमक पड़ा आलू में, भी नमक पड़ा बढ़िया चावल में भी। हाफ गल चुका है, अब इसका तह लगाऊंगी। ये है इसके बाद अब इसका तह लगा। दूसरे व्यक्ति तैयार कर लिया तो सबसे पहले गोश्त का तह लगाऊंगी। गोश्त का लेयर दे रही हूँ। इसके बाद चावल के बाद बिरयानी का लेयर लगाऊंगी, साथ में काजू और मसाला है। हर लेयर के बाद इसको डालेंगे, जिससे और भी खुशबूदार बहुत ही बेहतरीन बहुत ही टेस्टी होगा। का लेयर लगाती हूँ। फिर चावल का ये देखिए आलू का लेयर डाल दिया है। कलर मैंने फूड कलर डाल दिया है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त बहुत ही बेहतरीन मेरा बिरयानी तैयार हो चुका है, कोलकाता बिरयानी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।